हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है एक नए वीडियो में। दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूँ ट्रांजैक्शन फील्ड क्यों होता है और आप कैसे इसे दो मिनट में आप इससे छुटकारा पा सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में यही बात करने वाला हूँ। पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। गाइस ये प्रॉब्लम इसलिए आता है, जैसे कि आपने किसी को पेमेंट किया है तो आपको बैंक के तरफ से इनको मतलब कोई सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है, तो ये आपको मतलब आपको ये होल्ड पे रख देता है। लेकिन कई बार होता है कि आपका बैंक से भी बैलेंस भी कट गया है और आपका उधर हो गया, तो ये सर्वर का प्रॉब्लम होता है। जैसे कि बीच में आपका पैसा अटक गया है, तो हम इसे अगर मान लीजिए हमारा पैसा कट गया तो इसे वापस कैसे लाएंगे? इसके लिए आपको मुझे फॉलो कर लीजिए। आप सबसे पहले आप चेक करके कन्फर्म कर लीजिए कि आपका बैलेंस कटा है या नहीं कटा है, ठीक है। बैलेंस अगर कट गया है तो आप यहाँ से 3 लाइन पर क्लिक कीजिए, मैं आपको बता रहा हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने 2 करा था, यहाँ पे 3 लाइन पे ये दे सकते हैं। उसके बाद सेटिंग पे क्लिक करना है। सेटिंग पे क्लिक करने के बाद आपको सेटिंग के अंदर आ जाना है। उसके बाद आपको यहाँ पे ईमेल आईडी वगैरह देखने को मिल जाता है, फ़ोन नंबर वगैरह देखने को मिल जाता है यहाँ पे। तो ये आप सेटिंग के अंदर आपको जाना है। उसके बाद क्या करना है मैं आपको बता रहा हूँ कि आप किस तरीके से आप ले सकते हैं। उसके बाद हेल्प एंड फीडबैक का ऑप्शन देखने को मिलेगा। आपको फीडबैक नहीं देना है, मैं आपको बता रहा हूँ क्या करना है, आप मुझे बस फॉलो करते जाइए। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे कॉन्टैक्ट का ऑप्शन मिल जाता है। बाकी टर्म्स एंड कंडीशन लिखा हुआ है, उस पर आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ यहाँ पर कॉन्टैक्ट पर क्लिक कर देना है। आप मुझे फॉलो करते रहिए, आप ईजी तरीके से आप सॉल्व कर पाएंगे आपके जो भी प्रॉब्लम है। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं और भी बैंक ऐड कॉन्टैक्ट और सपोर्ट वगैरह वगैरह जो भी है, और यहाँ पे आप चैट भी कर सकते हैं। बट आपको चैट वैट कुछ नहीं करना है, इतना टाइम ख़राब नहीं करना है आपको। और यहाँ से आप डायरेक्टली कॉल पे क्लिक कीजिए। कॉल पे जैसे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे आपका नाम वगैरह आपको देखने को मिल जाता है ऑटोमेटिकली। और आप देख सकते हैं यहाँ पे नाम ऑटोमेटिकली देख लीजिए, कंट्री भी आ जाता है। यहाँ पे आपको नंबर वगैरह सेव करना है जो 00 लिखा हुआ है वहाँ पे। यहाँ पे नीचे फीडबैक में देना है पेमेंट, मतलब पेमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम यहाँ पे लिखिए। आप मुझे फॉलो कर लीजिए, तुरंत ही समझ में आ जाएगा आपको, मैं सच्ची बता रहा हूँ। आपका तुरंत हाथों हाथ आपका प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होगा और पैसे के बारे में आपको एकदम डाउट क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे पेमेंट मेथड यहाँ पे लिखिए सिंपली प्रॉब्लम, ठीक है। सिर्फ आपको लिखना है किस मेथड से बात करना चाहते हैं, यहाँ पे पेमेंट मेथड, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ पेमेंट मेथड। उसके बाद ऊपर मैं आपको यहाँ पे नंबर का 00 जो लिखा हुआ था इसको काट देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैं रेंडमली जो जिस नंबर पे आपका कॉल आएगा, मतलब इसी नंबर पे मैं नंबर डाल देता हूँ। उसके बाद सेंड कर देता हूँ। जैसे सेंड करूँगा देखना तुरंत ही क्विकली फ़ोन आ जाएगा, मतलब 1 मिनट के अंदर अंदर, मतलब 30 सेकेंड, 10 सेकेंड या 1 सेकेंड में भी आ जाता है। तो चलिए क्लिक करते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने जैसे ही क्लिक किया है तुरंत ही मुझे कॉल आ गया है, मतलब 10 सेकंड भी नहीं लगा मुझे कॉल आ गया था। तो मैंने डिसकनेक्ट कर दिया इसलिए क्योंकि मुझे बात नहीं करने, क्योंकि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक्चुअल में मेरा बैलेंस नहीं कटा था। तो दोस्तों मैं सिर्फ आप सबके लिए कन्फर्म के लिए वीडियो बनाया था। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर।